गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे क्या, ब्रोकली जो है अपनी स्थिति के बारे में बताता है कि वो उसका कैसा स्थिति है, बताता है कि बच्चे जो होते हैं मेरे ग्रीनिश रंग से ही क्या होते हैं, बहुत ही घृणित घृणा करते हैं। तो फिर आगे पढ़ते हैं, कॉलीफ्लावर, आई अंडरस्टूड योर प्लाइट, द चिल्ड्रन आर नॉट टू बी ब्लेम्ड। मतलब ये कॉलीफ्लावर जो है, फूल गोभी जो है, बोलता है उससे, ब्रोकोली से, कि मैं तुम्हारी स्थिति को समझ रहा हूँ, मैं तुम्हारी दुर्दशा को समझ रहा हूँ। द चिल्ड्रन आर नॉट टू बी ब्लेम्ड, मतलब कि बच्चों को तुम्हारी निंदा नहीं करनी चाहिए, ठीक है। द पेरेंट्स शुड क्रिएट अवेयरनेस एंड मेक द चिल्ड्रन नो डैट यू आर मोर न्यूट्रिशियस एंड अमाउंट ऑफ कैल्शियम यू हैव। तो बोलता है क्या कॉलीफ्लावर कि इस बात को गार्जियन को, पेरेंट्स को क्या होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए, ताकि बच्चों को यह बताए कि ब्रोकोली में जो है बहुत सारा न्यूट्रिएंट पोषक तत्व तो पाया जाता है, और बहुत ही मात्रा, ज़्यादा मात्रा में उसमें कैल्शियम पाया जाता है, समझे। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। ब्रोकोली, थैंक यू कॉलीफ्लावर फॉर बीइंग सो सपोर्टिव। ब्रोकली जो है वह कॉलीफ्लावर को क्या करता है, धन्यवाद देता है उसका सहायता करने के लिए, उसका सहायक बनने के लिए। बिटर, अंडरस्टैंड हाउ इट फील्स व्हेन चिल्ड्रन आर इंडिफरेंट टू यू। तो बिटर गार्ड करेला जो है बोलता है कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे बारे में बच्चे ऐसे सोच रहे हैं, तो मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। माई नेम सेज बिटर, मेरा नाम सुनकर ही बिटर, मतलब कि तीखा, बिटर सुनकर ही बच्चों को डर लग जाता होगा, ठीक है, लगता हुआ कि यह क्या है, तीखा है, ख़राब चीज़ है, अच्छा नहीं लगेगा। बट मोस्ट मॉम्स एंड डैड्स मेक मी डेलिशियसली एंड आई डोंट टेस्ट बिटर एट ऑल। और बहुत सारी माँ और पापा जो हैं मुझे क्या करते हैं, बहुत ही अच्छे से बनाते हैं, बहुत ही डेलिशियस, मतलब क्या होता है, मतलब स्वादिष्ट। एंड आई डोंट टेस्ट बिटर एट ऑल, और मैं क्या नहीं लगता हूँ, मैं तीखा नहीं लगता हूँ टेस्ट में इसके बाद, ठीक है। बट माई नेम स्पॉइल्स माई फेम, लेकिन मेरा नाम जो है मेरी मतलब कि प्रसिद्धि को क्या करता है, बर्बाद करता है, ख़राब करता है। बिटर गार्ड हैज़ टू बी बिटर, द चिल्ड्रन कैन नॉट थिंक अदरवाइज। बिटर गार्ड मतलब कि बच्चे जो सोचते हैं, बच्चे को लगता है कि बिटर गार्ड क्या होगा, तीखा ही होगा, ऐसा ही बच्चे इसके अलावा कुछ भी नहीं सोचते हैं। बच्चे को लगता है क्या है, बिटर गार्ड नाम है तो बिटर गार्ड क्या होगा, तीखा ही होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। अब स्पिनेस की बारी है। स्पिनेस पालक बोलता है क्या, आई एग्री विथ बोथ ऑफ यू, मैं तुम दोनों की बातों से क्या हूँ, सहमत हूँ। एवरी वन नीड्स टू हेल्प द चिल्ड्रेन टू नो अस बेटर। तो स्पिनेस बोलता है कि सबों को ज़रूरी है कि बच्चे को क्या करें, बच्चे को हमारे बारे में अच्छे से बताएं, अच्छे से हमें क्या कराए, परिचित कराए कि हम लोगों से कितना फ़ायदा है, ठीक है। In my case, it is Popoe, the sailor, who speaks me in his cartoon film, and the children know my value. और मेरे केस में ऐसा बात है कि एक पोपोए जो है एक सेलर है। सेलर क्या होता है, वो नाव खेपने वाला, जो मेरे बारे में अपने कार्टून फिल्म में क्या करता है, बताता है। एंड द चिल्ड्रेन नो माई वैल्यू, और उन लोगों को कार्टून के थ्रू बच्चों को मेरी वैल्यू के बारे में बताता है। बट वन थिंग इज श्योर, लेकिन एक बात सच है, चिल्ड्रेन आर हार्डली एबल टू रिकगनाइज द डिफरेंट वेराइटीज ऑफ लीफी वेजिटेबल्स। लेकिन एक चीज़ क्या है, श्योर है, अवश्य है कि बच्चे जो होते हैं लीफी वेजिटेबल्स को, बच्चों को डिफरेंट तरह के लीफी वेजिटेबल्स को पहचानने में बहुत ही मुश्किल होती है कि कौन सा लीफी वेजिटेबल जो है, जो कौन सा पालक जो है, किस चीज़ का पालक है, ठीक है। फॉर देम एवरी थिंग इज सागर पालक, और उनके लिए सभी जो है, सही लीफी वेजिटेबल्स क्या लगते हैं, साग या पालक ही लगते हैं। मेथी, आई कम्प्लीटली एग्री। मेथी वह बोलता है क्या कि मैं आप लोगों के सही बातों से क्या हूँ, सहमत हूँ। वेन आई एम ड्राइड एंड पाउडर्ड द चिल्ड्रेन बेयरली नो मी। तो मेथी बोलता है कि जब मुझे क्या कर दिया जाता है, सुखा कर पाउडर बना दिया जाता है, तो चिल्ड्रन जो होते हैं, चिल्ड्रन को मुझे ही पहचानने में बहुत ही मुश्किल होती है। दे हार्डली नो डैट देयर मदर ऑफन क्रश मी बिटवीन हर पाम्स एंड स्प्रिंकल्स मी ओवर द वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन डिशेज फॉर डैट डिस्टिंक्ट एरोमा।
कि वह जानते होते हैं कि माँ जो है क्या करती है, उसे अपने हथेली पर लेकर क्या करती है, हथेली के बीच में उसे लेकर पीसती है और उसे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो उस सारे डिशेस पे क्या करती है, छिड़क देती है ताकि उससे क्या हो, अलग अलग का तरह का क्या हो, सेंट निकले, सुगंध है। व्हेन आई एम मिक्स्ड विद फ्लोर द डव बिकम्स ग्रीन, जब मुझे क्या किया जाता है आटा के साथ गूंद दिया जाता है तो क्या लगता है, आटा ग्रीन हो जाता है। ऑल चिल्ड्रन रेफर टू मी एज ग्रीन चपाटी और ग्रीन पूरी, माई नेम इज जस्ट लॉस्ट, और सही बच्चे मुझे क्या करने लगते हैं, ग्रीन चपाटी या फिर ग्रीन पूरी, हरी हरी रोटी या हरी पूरी, और मेरा इस तरह मेरा नाम क्या होता है, ख़त्म हो जाता है, मेरा नाम ख़त्म हो जाता है। ठीक है, कोरिएंडर, दैट वे आई एम लकी, कोरिएंडर बोलता है, कोरिएंडर धनिया जो है अब बताता है कि इस तरह मैं क्या हूँ, बहुत ही लकी हूँ। द चिल्ड्रन डू रिकोगनाइज मी, कि बच्चे जो होते हैं मुझे पहचान लेते हैं। दे नो डैट आई एम यूज फॉर मेकिंग चटनी बट दे आर नॉट अवेयर डैट seeds, my seeds are dried powder and used in making their delicious food. बच्चे जो हैं मुझे तो अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन ये भी जानते हैं कि मेरा यूज क्या चीज़ का किया जाता है, चटनी बनाने के लिए किया जाता है, बट ये इसके लिए ये नहीं जानते हैं कि उसका जो सीड जो होता है वो ड्राई होता है, उसे पाउडर करके उसे डिलीशियस फूड, उसके स्वादिष्ट फूड बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए, ग्रीन चिली, डू दे नो डैट फ्रॉम ग्रीन आई टर्न टू रेड, क्या वो लोग जानते हैं कि मैं जो हूँ वो ग्रीन से क्या होता हूँ, रेड में टर्न हो जाता हूँ, बदल जाता हूँ। वेन आई एम ड्राइड एंड क्रिस्प आई एम पाउंडेड क्रस्ट एंड टर्न इन टू चिली फ्लेक्स एंड चिली पाउडर, जब मुझे क्या किया जाता है सुखा कर, जब मैं सूख जाता हूँ तो मुझे सुखा कर क्या किया जाता है, उसे कूट कर कुचल कर उसे कैसे बनाया जाता है, चिली के पाउडर के रूप में बनाया जाता है। ठीक है, और उसे सब्जियों में यूज किया जाता है, सब्जी को स्वादिष्ट बनाने के लिए। चलिए पम्पकिन के बारे में पढ़ते, पम्पकिन कद्दू। चिली डियर, ऑल चिल्ड्रन आर अवेयर ऑफ यू, चिली तो पम्पकिन बोलता है, चिली डियर मतलब मिर्ची को, कि सही बच्चे जो है तुमसे बहुत ही क्या है, अवेयर हैं, जागरूक हैं। आई वॉन्ट यू हर्ड देम वेल इफ़ माई बाई मिस्टेक्स दे टेस्ट यू, क्या तुमने यह नहीं सुना है कि वह अगर मिस्टेक से भी क्या कर लेते हैं, तुम्हें टेस्ट कर लेते तो क्या होते हुए रोने लगते हैं। ठीक है, एंड चिली फ्लेक्स दे डू गेट विथ देयर पिज़्ज़ाज, और उन्हें चिली फ्लेक्स किस चीज़ के रूप में यूज किया जाता है, पिज़्ज़ा, चिली फ्लेक्स जो है पिज़्ज़ा में यूज किया जाता है। ठीक है, टोमेटो बोलते हैं, बाय फ्रेंड्स आई एम ऑलरेडी इन बेन्यूज बास्केट, तो बोलता है दोस्तों बाय, मैं ऑलरेडी ही क्या हूँ, बेन्यूज के बास्केट में हूँ, बेन्यू के थैला में हूँ। नाउ लेट यू स्लिप्स बीटरूट गार्लिक एंड जिंजर विल सून फॉलो, और तुरंत ही अब क्या होता है, लेट यू स्लिप्स क्या होता है, पालक होता, साग का पत्ता होता है और बीटरूट होता है, ये सब क्या है, अब उन लोगों की बारी है, अब कैसे वो लोग जाएंगे। ठीक है ना, टोमेटो बोलता है, बेनू प्लीज़ गिव 5 kg कैरोट्स, तो बेनू बोलती है कृपया मुझे 5 kg कैरोट्स दीजिए। कैरोट, आई न्यू डैट सी डजेंट सेटल फॉर लेस देन 5, तो कैरोट समझता है क्या, बोलता है क्या, मैं समझ रहा था कि इसे 5 किलो से कम में इसे नहीं होने वाला है। तो पोटैटो बोलता है, कैरोट वी आर ऑल्सो कमिंग अलॉन्ग विद द बैग फुल ऑनियंस, तो कैरोट पोटैटो बोलता है, कैरोट मैं भी उसके बैग में बहुत सारे मात्रा में हूँ, ठीक है ना, मेरी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है ओनियन के साथ। तो फिर शॉपकीपर बोलता है, शॉपकीपर हियर आर 5 kg ऑफ रेड एंड फ्रेश कैरोट्स, शॉपकीपर बोलता है कि यहाँ पर 5 किलो क्या है, फ्रेश और रेड कैरोट्स है। बेनू बोलती है, प्लीज़ वेज 2 kg पोटैटोज एंड 2 kg ऑनियंस वाइल आई पिक अप सम फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स, जब तक मैं क्या करता हूँ कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स लेता हूँ तब तक मेरे लिए 2 kg पोटैटो और 2 kg ऑनियन क्या कर दो, पैक कर दो। ठीक है, मशरूम आई वॉन्ट एवरी वन टू बी फाउंड ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स, मैं सभी को क्या करता हूँ, चाहता हूँ जो क्या करते हैं ग्रीन वेजिटेबल्स के क्या है, ग्रीन वेजिटेबल को क्या करते हैं, पसंद करते हैं। आई विश
आई विश एवरी वन इज़ हेल्थ कॉन्शियस लाइक बेनू. इट इज़ टाइम फॉर मी टू जम्प इन टू बेनूज बास्केट एंड बी अ पार्ट ऑफ ऑल द डिशेस एंड सूप्स. तो मशरूम बोलता है कि मैं आशा करता हूँ इसी तरह सभी लोग क्या हो अपने हेल्थ के प्रति, अपने स्वास्थ्य के प्रति कॉन्शियस हो बेनू की तरह. इट इज़ टाइम फॉर, और मशरूम सोचता है कि अब मेरी बारी है कि बेनूज के बास्केट में मैं जाता हूँ या नहीं, और उसके सूप्स और डिशेस की पार्ट का हिस्सा बनता हूँ या नहीं. माय डियर चिल्ड्रेन, विजिट अ ग्रीन ग्रोसर और योर ओन वेजिटेबल मार्केट द सब्जी मंडी. देखिए बच्चों, आप लोग क्या कीजिएगा ऐसे सारे चीज़ देखने के लिए, कहाँ जाइएगा आप लोग? सब्जी मंडी जाइएगा जहाँ पर हरी सब्जियाँ मिलती है, ठीक है ना, या फिर ग्रोसर के पास या फिर घर घर आके सब्जी बेचता है. ठीक है फिर देखिए, ऐसे भी अभी लॉकडाउन है तो लोग बाहर मत